हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सफलता क्लासेस पे। और शुरू हो चुकी है दोस्तों आपकी करंट अफेयर की क्लास, तो जितने भी दोस्त रह गए हो उनको एक बार बुला लीजिएगा। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे आज से सबसे पहले, तो ये जो आपका सामने मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा ये एक यूट्यूब शेड्यूल है दोस्तों। ये यूट्यूब शेड्यूल आपकी तब मदद करता है जब आपको जानना होता है कि कौन सी क्लास दोस्तों आपकी किस टाइमिंग पे आपकी यहाँ पे शुरू होती है। तो दोस्तों ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपके पास कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आपको लगातार डेली पढ़ना होता है। तो यहां पर जिसमें आप वीक हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, वो आपको अगर इस पार्टिकुलर का आपको दोस्तों यहां पे जानना है कि किस टाइम पे शुरू होती है, तो इसके लिए आपका ये पूरा शेड्यूल है। इसी के आधार पे आप कोशिश कीजिएगा कि यहां पे सारी क्लासेस को आप रेगुलर और लगातार दोस्तों कीजिएगा अटेंड। तो दोस्तों अगर इसके अलावा बात किया तो कई सारे लोग यहां पर जुड़ चुके हैं। जी हां दोस्तों, तो यहां पर अगर बात करें सबसे पहले आपकी जुड़ी थी मोनिका वर्मा, गुड मॉर्निंग। ज्योति, राशि, आशीष अग्रवाल, गुड मॉर्निंग। मयूरेश, आकिब के अलावा ललित कंडपाल, अविनाश, वर्षा, संगीता, निशांत, अंजलि, शगुन, यामिनी, सुनील, अमित, अनुज के अलावा यहाँ पे दीपिका, अंकित, साजन, नीतीश, वर्तिका, रोहित, जीएस दिजवाल और अविनाश कुमार, आप सबको मेरा बहुत ही प्यारा सा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दोस्तों। हाँ जी, जेएस और वंदना आप सबको भी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो एक छोटा सा यहाँ पे आपके दोस्तों कोर्स लॉन्च किया गया है SBI क्लर्क के लिए। तो जितने भी आपके दोस्त भाई बंधु जो यहाँ पे तैयारी करते हैं आपके बैंक की, तो उनको एक बार जाके इन्फॉर्म कर देना कि यहाँ पे आपके लिए 2099 रुपए में दोस्तों आपका ये कोर्स ऑलरेडी आपका दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। वहीं अगर आपको तैयारी करनी हो MTS या GD कांस्टेबल के एक स्पेसिफिक बैच के रूप में, तो इसके लिए भी दोस्तों आपकी ये बैच ऑलरेडी रनिंग में है। तो अगर आपको दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए कि कैसे मैं सरकारी नौकरी को करूं हासिल, तो दोस्तों यहां पे आप कीजिएगा एक व्हाट्सएप नंबर पे हाय, जो कि नीचे दिया जाएगा आपको एज अ हेल्पलाइन नंबर। और दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो आज का थॉट ऑफ द डे क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये जो मेरे पीछे आपको दोस्तों फोटो दिख रही है ना, ये है आपके सामने दोस्तों यहाँ पे आपके सदगुरु। और सदगुरु के बारे में अगर दोस्तों बात की जाए, तो ये आपके बहुत ही फेमस साउथ के, यहाँ पे नहीं है दोस्तों, साउथ के आपके ये बहुत ही फेमस कह सकते हैं एक फिलोसफर है दोस्तों, गुरु है। तो दोस्तों इनके द्वारा जो लाइनें लिखी है जरा ध्यान से सुनिएगा कि मैं तुम्हें बदलना चाहता हूं, ये क्रांति नहीं है। दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं ना हर बार कि मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा, मुझे कुछ बन तो जाने दो, मैं ये पूरी संसार को कुछ ना कुछ नया बदलाव ला के दे दूंगा। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, वो यहां पे आपके लिए विचार नहीं होना चाहिए। विचार ये होना चाहिए कि आज से मैं अपने आप को बदल दूंगा। तो जिस दिन दोस्तों अगर आपने अपने आप को बदल दिया, तो याद रखिएगा अगर इस तरह से हर कोई व्यक्ति बदल गया, तो ये दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो आज से दोस्तों कोशिश ये कीजिएगा कि यही एक शब्द आप जो आप यूज कीजिएगा कि मैं बदलना चाहता हूं, ना कि मैं बदल के दिखाऊंगा दुनिया को। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं वही रेस। रेस वही होगी दोस्तों, लेकिन अब की बार थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। ट्विस्ट ये होगा दोस्तों कि यहां पे अगर आपके पास होंगे जो टॉप थ्री, उनको दोस्तों यहां पे आपका बुलाया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों जो यहां पे आपके न्यू कमर होंगे, उनको भी यहां पे मौका दिया जाएगा दोस्तों लगातार आंसर देने के लिए। तो तैयार हो जाइएगा लगातार और सबसे तेज दोस्तों जवाब देने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सब प्रश्न ये पूछा गया था कि अभी हाल ही में यहां पे एक रिपोर्ट दोस्तों जारी की गई थी। रिपोर्ट का नाम था कनेक्टेड कॉमर्स, मतलब किससे कनेक्ट किया जा रहा है, इंटरनेट से दोस्तों कनेक्ट किया जा रहा है उसके पेमेंट को। तो दोस्तों इंटरनेट के पेमेंट को कनेक्ट किया जाता है व्यापार से, तो ये है आपके लिए कनेक्टेड कॉमर्स नाम की आपकी रिपोर्ट, जिसको जारी किया गया था मास्टर कार्ड के साथ में। तो आपसे ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि इनमें से चार ऑप्शंस में से कौन सा यहां पे आपके लिए सही था, फेसबुक, नीति आयोग, IUCN होगा या होगा WHO। तो अगर दोस्तों बात की जाए यहां पे आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो सही जवाब होगा आपके लिए दोस्तों नीति आयोग। और नीति आयोग के लिए दोस्तों अगर बात की जाए यहां पे आपसे, तो ये जो आपका नीति आयोग है, हमेशा याद रखिएगा ये केवल एक थिंक टैंक है दोस्तों, ना कि कोई आपके लिए एक सरकारी मंत्रालय। वहीं अगर दोस्तों बात करें यहां पे आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, जरा सुनिएगा किसने सबसे पहले दोस्तों यहां पे आपका दिया था राइट ऑप्शन। तो यहां पे दोस्तों आपके टॉप थ्री में आए थे आपके मोनिका वर्मा, अंकित सिंह और अमित यादव के साथ साथ दोस्तों यहां पे आपके लिए प्रयास सबसे अच्छा किया था रोहित चौहान और आकिब रकीब ने, शाबाश। इसी तरह से लगातार दोस्तों आपको देना है जवाब, और यहां पे दोस्तों उसको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा जिसको यहां पे दो जो आपका देंगे बिल्कुल सही जवाब। राइट आंसर देना जरूरी है, लेकिन इसके अलावा दोस्तों सबसे तेज भी देने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न फिर से आपके सामने है, पूछा यह गया है दोस्तों कि यहां पर किसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अगर आपसे यहां पे पूछा जाए कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI, इन चार ऑप्शंस में से किसको यहां पे आपका नियुक्त किया गया था, चार ऑप्शंस आपके सामने है, हरि कुमार,
कुलदीप सिंह, जोसे जे कट्टोर या होंगे रघुराम राजन। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहां पे आपके लिए ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दोस्तों जोसे जे कट्टोर को यहां पे आपका अपॉइंट किया गया था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई के रूप में। वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे तो यहां पर आपके लिए दोस्तों जानकी रामन, ये नाम भी दोस्तों याद रखिएगा, जानकी रामन को दोस्तों अभी हाल ही में आपका यहां पे दोस्तों चेयरमैन बनाया गया था रेगुलेटरी कमेटी का। कौन सी कमेटी का दोस्तों? रेगुलेटरी कमेटी का बनाया गया था दोस्तों यहां पे आपका चेयरमैन। तो अगर दोस्तों बात करें यहां पे आपसे सबसे पहले किसने दिया है राइट आंसर, खुद ही सुनिएगा। तो दोस्तों यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 3 सबसे पहले दोस्तों यहां पे आपका टॉप 3 में आएंगे रोहित चौहान, अमित यादव और अनुज। इसके अलावा दोस्तों यहां पे सबसे अच्छा प्रयास किया आपका मोनिका वर्मा के साथ साथ आपका शगुन और अविनाश पाठवा के साथ साथ वर्षा चौधरी ने भी, शाबाश। अब बढ़ते हैं फिर से अगले प्रश्न की तरफ। सबसे पहले देने की दोस्तों कीजिएगा यहां पे प्रयास, लेकिन आपके प्रयास को यहां पे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न फिर से आपके सामने है दोस्तों। अगला सवाल आपसे ये पूछा गया था कि पेसेक्स एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का पहले नाम सुनिएगा, ये जो एक्सरसाइज है दोस्तों इसके माध्यम से यहां पे कई सारे देशों ने आपकी एक्सरसाइजेस आयोजित की हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साल 2021 की ये जो एक्सरसाइज है कहां पे कराई गई थी दोस्तों, तो साउथ अरेबियन ओशियन में कराई गई थी। तो सवाल आपसे ये पूछा गया है कि भारत और किस अन्य देश के बीच में ये साल 2021 की पेसेक्स एक्सरसाइज को साउथ अरेबियन यानी कि दोस्तों अगर बात किया तो दक्षिण अरब सागर में आपको आयोजित किया गया था। तो दोस्तों यहां पे आपके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा इन 4 में से सही जवाब होगा दोस्तों आपके लिए ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इंडोनेशिया। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए तो फ्रांस के साथ में यहां पे आपकी एक्सरसाइज थी लेपेरोस, यूएस के साथ थी दोस्तों यहां पे आपके लिए युद्ध अभ्यास, और अगर दोस्तों बात की जाए रशिया के साथ में थी यहां पे आपके लिए इंद्र एक्सरसाइज। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे सबसे पहले राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 3 किसने बताया, तो दोस्तों यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 3 सबसे पहले बताया रोहित चौहान, अमित यादव के साथ साथ आशीष अग्रवाल, और दोस्तों यहां पे आपका सबसे अच्छा प्रयास किया है निशा पाल के साथ साथ आपका दोस्तों जीएस देशवाल ने, शाबाश। इसी तरह से लगातार राइट आंसर देते रहिएगा। अगले बढ़ते हम लोग दोस्तों प्रश्न पे। अगला सवाल आपसे यह पूछा गया था कि यहां पे कौन सा विश्व में पहला ऐसा देश है, दोस्तों पहले प्रश्न को पढ़िएगा, कौन सा विश्व में दोस्तों आपका पहला ऐसा देश है जिसको बैन किया गया है दोस्तों कैनेबॉइड को। दोस्तों कैनेबॉइड का मतलब होता है जो आप भांग खाते हैं, जो आप चरस दोस्तों यहां पे आपने सुना होगा, इस चरस और भांग को सबसे पहले दोस्तों यहां पे आपका यहां पे बैन करने वाला देश कौन सा होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने थे, रूस, जापान, चाइना या होगा अमेरिका। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो राइट आंसर दोस्तों आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दोस्तों चीन के द्वारा यहां पे अभी हाल ही में आपका बैन किया गया था दोस्तों कैनिबॉइड को, जो कि भांग की तरह ही दोस्तों आपका एक केमिकल होता है। और वहीं अगर दोस्तों बात की जाए चाइना के बारे में, तो याद रखिएगा चाइना के द्वारा दोस्तों यहां पे आपकी एक पॉलिटिकल मीटिंग आयोजित की जाती है जिसका नाम है लांग हुई। क्या नाम है दोस्तों? लांग हुई नामक दोस्तों आपकी ये जो पॉलिटिकल मीटिंग है इसको 2 सेशंस के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए तो जो इसकी यहां पे कैपिटल है बीजिंग, इससे जुड़ी हुई एक दोस्तों इंफॉर्मेशन हमेशा रखिएगा याद, क्योंकि दोस्तों यहां पे जो बीजिंग है ये हेडक्वार्टर आपका माना जाता है दोस्तों एससीओ का। किसका दोस्तों? एससीओ का यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो दोस्तों अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 सबसे पहले किसने बताया, तो दोस्तों यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 3 सबसे पहले यहां पे आपका दोस्तों चीन, यहां पे दोस्तों सबसे पहले आपका राइट आंसर आया था शगुन शर्मा, राशि के अलावा दोस्तों आपका जीएस देशवाल का, शाबाश। इसके अलावा दोस्तों आपका सबसे अच्छा प्रयास किया गया यहां पे आपका साथ ही साथ निखिल त्यागी और यामिनी कुमारी के द्वारा, वेरी गुड। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे लगातार और सबसे तेज दोस्तों यहां पे आंसर देने का कीजिएगा प्रयास। अगला प्रश्न फिर से आपके सामने है। सवाल यह पूछा गया है कि सबसे पुराने एमएलए दोस्तों, इनका नाम है केआर गौरी। तो दोस्तों सबसे पुरानी यानी बुजुर्ग महिला दोस्तों आपकी एमएलए केआर गौरी का अभी हाल ही में हुआ था निधन दोस्तों 102 साल की दोस्तों उम्र में। तो दोस्तों आपसे यह पूछा गया है कि यह किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शंस थे आपके सामने 4, कर्नाटक, लक्षद्वीप होगा, केरल होगा या होगा गुजरात। तो दोस्तों यहां पे आपके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा केरला। और केरल के बारे में दोस्तों यहां पे एक चीज जरूर याद रखिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों यहां पे आपके चुनाव खत्म हुए। तो दोस्तों यहां पे आपके पिनराई विजयन, जी हां दोस्तों पिनराई विजयन जो है अभी हाल ही में यहां पे आपके फिर से बन के लौटे हैं दोस्तों चीफ मिनिस्टर के रूप में। और अगर बात किया दोस्तों यहां पे आपके गवर्नर यानी राज्यपाल के बारे में, तो दोस्तों यहां पे आपके राज्यपाल हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम होगा दोस्तों? आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे यहां पे आपके दोस्तों गवर्नर। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें
तो यहां पे आपका एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है साइलेंट वैली। क्या नाम है दोस्तों? साइलेंट वैली जो आपका नेशनल पार्क है, ये भी आपका दोस्तों केरल से ही संबंधित है। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे, सबसे पहले राइट ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर थ्री, सबसे पहले दोस्तों यहां पे आपका बताया था, जी हाँ सबसे पहले यहां पे आपका राइट आंसर आया था दोस्तों अमित यादव, आशीष अग्रवाल और शगुन शर्मा का, शाबाश। और इसके अलावा दोस्तों सबसे अच्छा यहां पे आपका प्रयास किया गया था सुनील कुमार और आशुतोष ठाकुर के साथ साथ प्रिंस के द्वारा, शाबाश। अब फिर से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला सवाल दोस्तों आपसे ये पूछा गया था कि उस राज्य सरकार का नाम बता दो। किसका नाम बता दो दोस्तों? राज्य सरकार का नाम बता दो जिसके द्वारा यहां पे 60 लाख रुपए दिए गए थे दोस्तों, जो हमारे यहां बाहर जानवर घूमते हैं जैसे कुत्ता हो गया, गाय हो गई या फिर हो गया बैल। तो दोस्तों उनके रख रखाव के लिए कोविड में यहां पे 60 लाख रुपए किस राज्य सरकार के द्वारा दिए गए थे, यह है प्रश्न। ऑप्शन से आपके सामने चार, जम्मू, उड़ीसा, राजस्थान या होगा पंजाब। तो दोस्तों यहां पे आपके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों टू, यानी कि दोस्तों जो उड़ीसा है, उड़ीसा का दोस्तों यहां पे आपके आपके जारी किए गए थे कुल 60 लाख रुपए। वहीं दोस्तों इसके द्वारा एक योजना और शुरू की गई थी कोविड के दौरान ही, उस योजना का नाम होगा दोस्तों बलराम योजना। इस योजना को याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों कोविड के दौरान किसानों को कर्ज देने के लिए आपकी योजना शुरू की गई थी उड़ीसा सरकार के द्वारा, जहां के दोस्तों सीएम हो जाएंगे आपके लिए नवीन पटनायक, और वहीं अगर दोस्तों बात करें तो यहां के आपके लिए गवर्नर हो जाएंगे दोस्तों गणेशी लाल। क्या नाम होगा दोस्तों? गणेशी लाल हो जाएंगे यहां पे आपके गवर्नर, यानी कि दोस्तों आपके राज्यपाल। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे ऑप्शन नंबर टू, सबसे पहले किसने बताया, तो दोस्तों यहां पे आपका सबसे पहले ऑप्शन नंबर टू बताने वालों में शामिल हो जाएंगे, जी हां सबसे पहले आपके यार बाजी मारी है सुनिधि सक्सेना, रोहित चौहान, साथ ही साथ दोस्तों शगुन शर्मा ने, और इसके अलावा दोस्तों सबसे अच्छा प्रयास किया गया है संगीता आर्या, और इसके अलावा दोस्तों यहां पे आपका साथ ही साथ निखिल त्यागी और सुनिधि सक्सेना ने भी, वेरी गुड, इसी तरह लगातार जवाब देते रहिए। अगला प्रश्न फिर से आपके सामने है। सवाल ये पूछा गया है दोस्तों कि यहां पे स्मॉल फाइनेंस बैंक, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है आपके सामने ऑप्शंस में, जिसके द्वारा दोस्तों यहां पे अभी बैंक आपके दोस्तों एक योजना लॉन्च गई है आई चूज माई नंबर। तो दोस्तों आई चूज माई नंबर नामक ये जो योजना है दोस्तों, ये किसके द्वारा आपकी जारी की गई है? ऑप्शन थे आपके सामने चार, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जनजीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, या होगा दोस्तों आपके लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो दोस्तों यहां पे आपके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, यानी कि दोस्तों जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा यहां पे आपका दोस्तों जारी किया गया था आई चूज माई नंबर फैसिलिटी। वहीं अगर दोस्तों बात करें जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में दोस्तों, तो अजय कनवल हो जाएंगे दोस्तों यहां पे इसके मुखिया। वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो यहां पर आपका दोस्तों जो एक दूसरा बैंक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो दोस्तों यहां पे इसके मुखिया हो जाएंगे आपके लिए संजय अग्रवाल। तो याद रखिएगा एमडी और सीईओ के बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कौन होंगे एमडी, तो जवाब होगा संजय अग्रवाल। वहीं दोस्तों जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के होंगे आपके दोस्तों अजय कंवल। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पर आपसे, सबसे पहले दोस्तों यहां पे आपका राइट ऑप्शन किसने दिया था, तो दोस्तों यहां पे आपका टॉप थ्री में आपके लिए दोस्तों यहां पे राइट आंसर दिया गया था ऑप्शन नंबर टू दोस्तों, जी हाँ सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर आया था अमित यादव, शगुन शर्मा के अलावा दोस्तों आपका यहाँ पे रोहित चौहान। वहीं दोस्तों यहाँ पे आपका अनुज के साथ साथ आपका दोस्तों आशीष अग्रवाल ने किया है, बिल्कुल ही आपका दोस्तों सही प्रयास मीनाक्षी संधु के साथ में, शाबाश। इसी तरह से दोस्तों सब लोग देंगे राइट आंसर, और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। याद रखिएगा ये जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, ये आपकी जिंदगी की स्टेजेस की तरह होते हैं, जैसे जैसे आप पार करते हो वैसे वैसे आपकी कठिनाइयां बढ़ती हैं और वैसे वैसे आपके प्रयास भी बढ़ने चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके यहाँ पे कि वो कौन सा पहला पायलटलेस शिप है। दोस्तों पहले प्रश्न को पढ़िएगा, पायलटलेस शिप का मतलब होता है कि इसमें आपका कोई भी चलाने वाला आपके लिए पायलट नहीं होगा, कोई भी ड्राइवर नहीं होगा। तो दोस्तों इसको यहां पे अभी भेजा गया था पूरे अटलांटिक ओशियन को पार करने के लिए, तो आपसे पूछा गया है इसका नाम क्या था। ऑप्शन से आपके सामने दोस्तों चार, और अगर बात किया दोस्तों यहां पे आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो ये जो पहला पायलटलेस शिप है दोस्तों, यहां पे इसको आपका उपयोग किया जाएगा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मतलब एक ऐसी दोस्तों तकनीक जो अपने आप ही कार्य कर पाए। और दोस्तों इसका एक नाम भी दिया गया था यहां पे इसको दोस्तों स्मार्ट कैप्टन का नाम दिया गया था। किसका नाम दिया गया दोस्तों? स्मार्ट कैप्टन का नाम दिया गया था। तो दोस्तों अगर बात करें राइट ऑप्शन हो जाएगा यहां पे आपके लिए दोस्तों मेफ्लावर 400। क्या होगा दोस्तों? मेफ्लावर 400 होगा यहां पे आपके लिए दोस्तों राइट आंसर। और इसमें अगर दोस्तों याद रखिएगा, इसमें कुल 3 देश शामिल थे दोस्तों इस यहां पे शिप को बनाने के लिए, जो कि आपको मेरे ऊपर दिख रहा होगा। इसमें दोस्तों
एक देश का नाम होगा यूएस, दूसरा हो जाएगा दोस्तों यहां पे आपके लिए भारत, और तीसरा देश दोस्तों यहां पे आपके लिए हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्विट्जरलैंड हो जाएगा यहां पे आपके लिए तीसरा देश। तो अगर दोस्तों बात करें ऑप्शन नंबर थ्री, सबसे पहले दोस्तों यहां पे आपका किसने है बताया? जी हाँ, तो दोस्तों यहां पे आपके लिए ऑप्शन नंबर थ्री सबसे पहले बताया था अनुज कुमार शगुन के अलावा दोस्तों आपका रोहित चौहान ने। वहीं दोस्तों यहां पे सबसे अच्छा आपका प्रयास किया गया था गायत्री गायू और इसके अलावा दोस्तों आपका यहां पे वंदना तिवारी के साथ साथ दोस्तों सुनील कुमार के द्वारा। तो दोस्तों इसी तरह से लगातार दीजिएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर से आपके सामने है। प्रश्न ये पूछा गया दोस्तों कि यहां पे कौन से ऐसे इंडियन ओरिजिन के स्पेशलिस्ट है, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, ये आपके यहां पे भारतीय मूल के यहां पे महिला है या पुरुष है जिनके द्वारा वर्ल्ड फूड अवार्ड दोस्तों यानी वर्ल्ड फूड प्राइस 2021 को जीता गया था। दोस्तों ये जो अवार्ड होता है ये उनको दिया जाता है जो खाने की बचत करते हैं या दोस्तों खाने का सही उपयोग बताते हैं। तो दोस्तों यहां पे आपके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा दोस्तों यहां पे आपके लिए ऑप्शन नंबर वन यानी कि शकुंतला थिलसेठ। तो दोस्तों अगर बात करें शकुंतला थिलसेठ के अलावा तो साल 2020 का दोस्तों ये अवार्ड गया था यहां पे आपका रतन लाल को। किसको गया था दोस्तों? याद रखिएगा 2020 का अवार्ड गया था रतन लाल को जो कि संबंधित थे यूनाइटेड स्टेट से। वहीं अगर दोस्तों बात करें तो शकुंतला थिलसेठ दोस्तों ये आपकी भारत में नहीं रहती है बल्कि आपकी ये रहती है डेनमार्क में। तो दोस्तों अगर बात करें ऑप्शन नंबर वन, जरा खुद ही सुनिएगा सबसे पहले दोस्तों यहां पे आपकी किसने मारी थी बाजी। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले आपका राइट आंसर आया था रोहित चौहान, अनुज के अलावा दोस्तों राशि राठौर का, शाबाश। और वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे सबसे अच्छा प्रयास किया था आपका आयाना चौहान ने, इसके अलावा दोस्तों मुस्कान प्रजापति और साथ ही साथ दोस्तों यहां पे आपका रोहतास रॉकी ने, शाबाश। इसके अलावा दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए एम्बेसडर से जुड़ा हुआ था। एम्बेसडर दोस्तों भारत को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी देश में जाकर के। तो आपसे यह प्रश्न पूछा गया था कि यहां पर अफ्रीकन यूनियन के कौन से आपके दोस्तों अगले एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो दोस्तों यहां पे आपके सामने ऑप्शन है चार और उनकी फोटो थी यहां पे मेरे ऊपर। तो यहां पे दोस्तों अगर बात करें इन चार ऑप्शंस में से यहां पे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर यहां पे आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू यानी कि रामकरण वर्मा। और वहीं दोस्तों याद रखिएगा अफ्रीकन यूनियन के बारे में कि इसका जो दोस्तों हेडक्वार्टर है, क्या है दोस्तों? हेडक्वार्टर यहां पे आपका हो जाएगा अदिस अबाबा में। कहां पे होगा दोस्तों? अदिस अबाबा में होगा दोस्तों इसका हेडक्वार्टर। और ये है कहां पे दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका इथियोपिया में। कहां पे दोस्तों? इथियोपिया में हो जाएगा अफ्रीकन यूनियन का दोस्तों हेडक्वार्टर। वहीं अगर दोस्तों बात करें इसके यहां पर चेयरमैन के बारे में, तो याद रखिएगा यहां पे इसके दोस्तों चेयरमैन हो जाएंगे फेलिक्स। क्या नाम है दोस्तों इनका? फेलिक्स हो जाएंगे यहां पे आपके चेयरमैन अफ्रीकन यूनियन के, जिसकी स्थापना की गई थी साल 2002 में। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे सबसे पहले ऑप्शन नंबर टू किसने है बताया? तो दोस्तों यहां पे अब की बार आपके बाजी मारी है, जी हां, अमित यादव के साथ साथ दोस्तों शगुन और अविनाश ने। वहीं दोस्तों सबसे अच्छा प्रयास किया गया है जीएस देवाल, इसके अलावा दोस्तों यहां पे आपका निधि अग्रवाल और न्यू कॉन्सेप्ट ऑल दोस्तों, शाबाश। इसी तरह से लगातार सब लोग रेस में रहेंगे शामिल। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहां पे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला और दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न आपके लिए था कि यहां पर अब लगा देना सब लोग जोर। दोस्तों यहां पे प्रश्न ये पूछा गया था कि वो कौन सा देश है दोस्तों जिसके द्वारा एजिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दोस्तों जारी किया गया है। ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है दोस्तों ये किसी भी अन्य देश से आने वाली मिसाइल को हवा में ही मारने की क्षमता रखता है। दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे ये किस देश से संबंधित था, चार ऑप्शंस आपके सामने थे यूएस, इजराइल या होगा दोस्तों रशिया या होगा यहां पे आपके लिए जर्मनी। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे राइट ऑप्शन के बारे में तो ऑप्शन नंबर वन होगा दोस्तों आपके लिए बिल्कुल ही सही। वहीं अगर दोस्तों बात करें तो यहां पे भारत के पास एक और एयर डिफेंस सिस्टम है दोस्तों जिसको हम लोग S-400 ट्रायम्फ के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों आपका रशिया से संबंधित है। वहीं दोस्तों इजराइल से भी हमने एक एयर डिफेंस सिस्टम ले रखा है, एक हो जाएगा कुरसैम और दूसरा दोस्तों यहां पे आपके लिए हो जाएगा स्पाइडर। क्या नाम होगा दोस्तों? स्पाइडर के नाम से जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये इजराइल से लिया है। वहीं दोस्तों S-400 ट्रायम्फ ये हमने दोस्तों लिया है आपका रूस से। तो दोस्तों अगर बात करें ऑप्शन नंबर वन सबसे पहले दोस्तों यहां पर किसने है बताया? तो दोस्तों यहां पे आपकी बाजी मारी है सबसे पहले बताने में आपके लिए अमित यादव, शगुन के साथ साथ दोस्तों अविनाश और साथ ही साथ दोस्तों यहां पे आपका राशि राठौर ने भी। वहीं दोस्तों सबसे अच्छा आपका प्रयास किया गया दोस्तों विजेंद्र कुमार यादव के अलावा साथ साथ दोस्तों यहां पे आपके लिए, जी हां, अदिति धीमान और साथ ही साथ दोस्तों नीतीश कुमार सिंह, आप सबने दिया था बिल्कुल ही राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे यहां पे आपके आज के लिए प्रश्न जो कि हम लोगों ने दोस्तों किए थे रिवीजन। तो आपको खुद ही अंदाजा लग गया होगा कि किसके कितने सही हुए और कितने हुए गलत। तो दोस्तों अगर
बात करें तो जरा ध्यान से इन दोस्तों लाइनों को सुनिएगा। ये वो लाइनें हैं दोस्तों यहां पे आपको ना केवल मोटिवेट करेंगी बल्कि दोस्तों आपको एक लीडर की तरह दोस्तों यहां पे सोचने के लिए मजबूर भी करेंगी। तो जरा ध्यान सुनिएगा दोस्तों कि कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पे लाना है तुम्हें, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पे लाना है तुम्हें। अपने हाथ की लकीरों को मत देखो, अपने हाथ की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें। तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने हाथ की लकीरों पे उतना भरोसा मत कर लेना जितना अपनी मेहनत और अपनी किस्मत पे दोस्तों भरोसा करना। क्योंकि याद रखिए, ये जो आपकी किस्मत होती है दोस्तों, ये आपकी मेहनत से ही रंगी जाती है। तो अपनी मेहनत को दोस्तों इतना मजबूत कर लो कि उसका रंग भी दोस्तों आपके लिए किस्मत की तरह ही बन जाए। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं हम लोग यहां पे आपका आज का टॉप करंट अफेयर ऑफ द डे। तो दोस्तों यहां पे आपके लिए जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको हम लोग दोस्तों यहां पे आपका एक क्विक वे में, यानी कि आपका विद इन दोस्तों 20 सेकंड्स में आपकी पूरी न्यूज को देखते हैं। तो दोस्तों यहां पे अगर बात की जाए आपसे दोस्तों अगले दोस्तों पहली न्यूज के बारे में, तो दोस्तों केपी शर्मा ओली अभी हाल ही में दोस्तों इन्होंने आपका हार गए थे दोस्तों यहां पे विश्वास मत, तो अब फिर से दोस्तों इन्होंने यहां पे आपकी शपथ ली है नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये लगातार आपके तीसरी बार बन रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए तो अगर मान लीजिए बाई चांस केपी शर्मा ओली फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद अपना विश्वास मत पेश नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों यहां पे आपका एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 76, तो ये आर्टिकल 76 नेपाल में लागू हो जाएगा। फिर वहां के जो दोस्तों आपके राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, उनके पास ये अधिकार होगा कि वो किसी भी एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट बना सकती हैं। वहीं दोस्तों यहां पे आपकी अगली खबर थी कि अब स्पुतनिक 5 दोस्तों मिलेगी पूरे 995 रुपए की। तो दोस्तों स्पुतनिक 5 को भारत में बनाया जा रहा है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के द्वारा। वहीं अगर दोस्तों बात करें यहां पे आपसे तो स्पुतनिक 5 को ओरिजिनली दोस्तों इसको बनाया गया था गैमेलिया रिसर्च लैब के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? गैमेलिया रिसर्च लैब के द्वारा दोस्तों यहां पे बनाया गया था रूस के दोस्तों यहां पे आपकी मॉस्को में। वहीं अगर दोस्तों बात करें यहां पे आपसे और बाकी सारी वैक्सींस के बारे में, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, कोवैक्सीन जो है दोस्तों इसके दाम वर्तमान समय में चल रहे हैं 600 रुपया। और वहीं अगर दोस्तों बात करें कोविड शील्ड के बारे में, तो दोस्तों ये सस्ती है और काफी सस्ती है। पहले 400 रुपए की मिलती थी, अब मिलती है केवल 300 रुपए की। जी हां दोस्तों, सबसे सस्ती दवाई कोविड शील्ड है, लेकिन दोस्तों जो भारतीय है वो थोड़ी सी महंगी है। अब दोस्तों अगर बात करें तो अगला दोस्तों ब्लड मून यहां पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 26 मई को। तो दोस्तों ये जो ब्लड मून होता है, याद रखिएगा जब दोस्तों पृथ्वी आपके बीच में आ जाती है दोस्तों चंद्रमा और सूर्य के, जैसा कि आपको मेरे बगल वाले दोस्तों यहां पे आपको चित्र में दिख भी रहा होगा। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे, तो ये जो ब्लड मून होगा दोस्तों ये आपका 26 मई को देखा जाएगा। और ये दोस्तों आपका मुख्यतः आपका जो नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, ये वहीं पर आपका केवल देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो ब्लड मून होता है ये हमेशा आपका टोटल लूनर इक्लिप्स के दौरान, यानी कि दोस्तों आपका यहां पे टोटल लूनर इक्लिप्स के दौरान ही देखा जाता है। वहीं अगली खबर है दोस्तों आपकी अफ्रीका से जुड़ी हुई, अफ्रीका का दोस्तों अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से जुड़ी हुई। तो दोस्तों ये जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है इसने दोस्तों मेघालय और मिजोरम में दोस्तों आपके 1700 से ज्यादा आपके यहां पे सुअर मारे हैं। जी हां दोस्तों, 1700 से ज्यादा सुअर आपके दोस्तों मिजोरम में और 300 से ज्यादा दोस्तों मिजोरम आपके मेघालय में सुअर मर गए हैं। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे इस अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के बारे में, तो दोस्तों ये जो आपकी स्वाइन फ्लू है ये आपकी जानवरों में फैलने वाली बीमारी है जो लगातार दोस्तों भारत में आपकी बढ़ती जा रही है। वहीं अगर दोस्तों बात करें तो यहां पे आपका नेशनल बैंबू मिशन, दोस्तों ये जो नेशनल बैंबू मिशन है दोस्तों इसके अंतर्गत MIS मॉड्यूल को लागू किया गया है। MIS का मतलब होता है दोस्तों मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है दोस्तों इसका उपयोग इसलिए किया जाएगा ताकि यहां पे जो आपके बांस के जंगल हैं उसके बारे में दोस्तों आपकी जो रिसोर्सेज हैं उसके बारे में पता लग सके। और इसके माध्यम से दोस्तों यहां पे जो आपका अगरबत्ती उद्योग है, जी हां दोस्तों जो अगरबत्ती आप जलाते हैं दोस्तों मंदिर में, तो दोस्तों इसके बारे में भी यहां पे आपका दोस्तों पता चल सके। अगली खबर है दोस्तों आपकी यहां पे ओशन रीबिल्डिंग के नाम से, ओशन रीबिल्डिंग जो है दोस्तों इसको COP26 में फिर से यहां पे लागू करने की बात कही जा रही है। तो दोस्तों क्या है आखिरकार ओशन रीबिल्डिंग?
तो जब हम दोस्तों यहां पे पौधे और जानवर दोस्तों उन आपके ओशंस में लेके जाते हैं जहां पर ये नष्ट हो चुके हैं, तो फिर से दोस्तों पौधे और जानवरों को रोपण करना, उनको फिर से वहां पे उगाने के लिए छोड़ देना, इसको कहा जाता है ओशन रिबिल्डिंग। और इसको दोस्तों आपका लागू किया जाएगा COP26 के अंतर्गत। वहीं अगर दोस्तों बात करें यहां पे आपसे, तो पंजाब में एक नया नियम लागू हुआ है दोस्तों जेल से संबंधित। अब यहां पे दोस्तों ना केवल जेल के अंदर जेल दोस्तों बनाई जाएगी आपके उन दोस्तों कैदियों के लिए जो की है बहुत खतरनाक, बल्कि इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो वहां पे रहने वाले हैं दोस्तों उनकी बाद में भी केयर करने के लिए, आफ्टर केयर करने के लिए भी दोस्तों यहां पे पंजाब आपके जेल के दोस्तों नियमों को बदला गया है। वहीं इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए तो टेक्सास अमेरिका का दोस्तों आपका एक राज्य है, और इसके द्वारा दोस्तों एक बिल पेश किया गया है, हार्ट बीट बिल। तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो हार्ट बीट होती है दोस्तों किसी भी शिशु में, ये आपकी दोस्तों 6 हफ्ते के बाद आपकी दोस्तों सुनाई देने लग जाती है। तो दोस्तों बात ये हुई है कि अगर किसी भी दोस्तों यहां पे माता का अगर 6 हफ्ते से ज्यादा का दोस्तों अगर यहां पे आपका बेबी हो जाएगा, तो उसको यहां पे गर्भपात दोस्तों यहां पे कराने पे प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। टेक्सास के साथ साथ दोस्तों अमेरिका के जितने भी दोस्तों आपके साउथ कंट्रीज हैं, यानी कि दोस्तों आपके जो दक्षिणी आपके दोस्तों डिस्ट्रिक्ट है, उनके द्वारा ये आपका अभियान चलाया गया है हार्ट बीट बिल के माध्यम से। वहीं इसके अलावा दोस्तों बात करें तो वॉयेजर 1 दोस्तों, वॉयेजर 1 जो है दोस्तों ये आपका सन के पास यानी सूरज के पास दोस्तों उसकी स्टडी करने के लिए गया था, तो रास्ते में दोस्तों यहां पे उसने एक आवाज सुनी है, और ये आवाज जो है दोस्तों इस चीज का अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो अंतरिक्ष में आपकी गैसेस होती हैं उसके फटने की वजह से यहां पे सुनाई दी है। वहीं अगर दोस्तों बात करें तो यहां पे ब्रिस्टल और गोइथ यूनिवर्सिटी दोस्तों, ये दोनों इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज हैं, और यहां के जो आपके दोस्तों रिसर्चर्स हैं उन्होंने यहां पे एक नए दोस्तों आपके यहां पे कल्चर की खोज की है, वो है आपके दोस्तों नॉक कल्चर में दोस्तों यहां पे उसकी पॉटरी के बारे में। तो यहां पे जो आपकी दोस्तों पॉटरी होती है इसको दोस्तों यहां पे आपका बनाया जाता है टेराकोटा के द्वारा। और याद रखिएगा ये खास क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये जो पूरी कलाकृति होती है दोस्तों इसमें आपको केवल चेहरा ही देखने को मिलेगा। तो अगर दोस्तों बात की जाए तो ये नॉक कल्चर की जो आपकी पॉटरी होती है ये संबंधित है नाइजीरिया से, याद रखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं यहां पे दोस्तों अगली खबर के बारे में, टॉक्टे साइक्लोन। दोस्तों ये जो टॉक्टे साइक्लोन है ये अरेबियन सी में आने वाला है। वहीं दोस्तों अगर बात करें इसके नामकरण के बारे में, तो दोस्तों म्यांमार के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, म्यांमार के द्वारा दोस्तों यहां पे इसका नाम दिया गया है, जिसका दोस्तों वास्तविक मतलब होता है छिपकली। अगर दोस्तों इसके बारे में बात करें, इसकी स्पीड के बारे में, तो लगभग 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दोस्तों ये आपका दोस्तों भारत के केरल और केरल के अलावा दोस्तों कर्नाटक कोस्ट के आपके आसपास आने वाला है। वहीं दोस्तों अगर बात करें अब आपसे यहां पे अगली खबर के बारे में, तो दोस्तों यहां पे एक आपका त्योहार, मत जैसे हमारे यहां पे दोस्तों कुंभ का महोत्सव मनाया जाता है, वैसे ही दोस्तों इसराइल में आपका मनाया जाता है शैवोट नाम का फेस्टिवल। तो दोस्तों ये जो शैवोट होता है इसमें यहां पे आपका दोस्तों गेहूं की कटाई को दोस्तों यहां पे आपका मनाने के लिए एक हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में, यहां पे इसको फीस्ट ऑफ द वीक के रूप में भी जाना जाता है, जिसको मनाया जा रहा है आपका इसराइल में। वहीं अगर दोस्तों बात करें तो यहां पे वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा दोस्तों आपकी एक रिपोर्ट जारी की गई है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। तो दोस्तों इसमें एक चीज ये बताई गई है कि यहां पर जो विदेश से आने वाला धन होता है, यानी कि जो विदेशी धन होता है, ये अब वर्तमान समय दोस्तों भारत में आपका आ चुका है कुल 83 बिलियन साल 2020 में। वहीं अगर दोस्तों हम लोग बात करें आपसे पूरे विश्व के बारे में, तो दोस्तों पूरे विश्व में ये आंकड़ा आपका छू चुका है 540 बिलियन, यानी कि पूरे विश्व में दोस्तों 540 बिलियन एक देश से दूसरे देश में आपका पहुंच चुका है। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए तो अब की बार है SSC पार, लेकिन कैसे दोस्तों, तो यहां पे आपके वीरेन सहवाग साफ साफ कहते हैं कि अगर SSC को आपको करना है क्वालिफाई, तो यहां पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा दोस्तों SSC स्पेशल बैच। ये स्पेशल किस आधार पर है दोस्तों जरा सुनिएगा, इसमें यहां पे आपके लिए MTS, GD और CGL की दोस्तों एक साथ एक जगह दोस्तों कराई जाती है यहां पे आपकी दोस्तों ट्रेनिंग और आपको पढ़ाई। और इसमें दोस्तों आपकी जो ये ट्रेनिंग और पढ़ाई होगी इसमें आपके लिए योगदान देंगे आपके यहां पे दिल्ली के टॉप मोस्ट फैकल्टीज, जिसमें दोस्तों आपके लिए शामिल है मैथ्स के जादूगर दोस्तों आपके लिए भगवती सर, जिनको यहां पे आपका दोस्तों पूरा भारत जानता है। वहीं दोस्तों इंग्लिश की जो आपकी दोस्तों परेशानियां होती हैं, जो कि एक लोकल बच्चा भी आसानी से समझ पाए, तो यहां पे समझाते हैं आपको संतोष सर। और वहीं अगर दोस्तों बात करें तो अभी आपके लिए जो दोस्तों ज्योग्राफी की आपकी जो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं उनको दोस्तों बड़े ही आसान तरीके से समझाते हैं आपके DK सर। वहीं दोस्तों रीजनिंग की कमान संभाली है यहां पे आपकी मोना मैम ने। और वहीं अगर दोस्तों बात की जाए तो विज्ञान में फिजिक्स और दोस्तों केमिस्ट्री के यहां पे गुरु कहे जाते हैं
जाते हैं सलिल सर, और अगर इसके अलावा दोस्तों बात करें तो कंप्यूटर वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं धीरेन सर। तो दोस्तों ये है यहाँ पे आपकी टॉप फैकल्टी जो कि यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे इस बैच में आपको दोस्तों पढ़ाएंगे, और ना केवल पढ़ाएंगे दोस्तों बल्कि यहाँ पे आपके लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। ये दोस्तों आपके लिए जो पीडीएफ होंगी इसमें खास बात ये होगी आपके लिए कि यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज दोस्तों आपको यहाँ पे पढ़ाई भी कराई जाएगी। टॉपिक वाइज का मतलब होता है दोस्तों कि कई सारे दोस्तों आपको ऐसे एडिशनल टॉपिक्स होते हैं जो बाद में जाके ऐड होते हैं, तो उनकी समस्या के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको अलग से टॉपिक वाइज ना केवल पीडीएफ मिलेगी बल्कि दोस्तों आपको मिलेगा एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप। तो दोस्तों अगर इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे आपके लिए रोजाना तो नहीं लेकिन दोस्तों हर एक दोस्तों एक दो हफ्ते के बाद यहाँ पे आपके लिए मिलेंगी स्पेशल वोकेबुलरी सेशन। ये सेशन जो होगा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि जब भी अगर आप तैयारी करते हो दोस्तों एसएससी की, तो उस समय जब आपको इंग्लिश की सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है उसी को दोस्तों दूर करने के लिए होता है यहाँ पे आपका स्पेशल वोकेबुलरी सेशन। और दोस्तों यहाँ पे आपके लिए वीकली मॉक टेस्ट तो रहेगा ही रहेगा जो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराता है वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे तो यहाँ पे अब समय है आपके लिए करंट अफेयर एमसीक्यूज को मेरे साथ सॉल्व करने का। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात कीजिए आपसे तो करंट अफेयर एमसीक्यूज में जो प्रश्न है उनको लगातार कीजिएगा सॉल्व। और चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पे बिना किसी देरी के पहला सवाल। पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है, मेरे पीछे दोस्तों प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपके लिए दोस्तों कौन सा ऐसा राज्य था दोस्तों जिसके द्वारा भारत का पहला दोस्तों म्यूकर माइकोसिस यूनिट को दोस्तों जारी किया गया। ध्यान सुनिएगा दोस्तों यहां पे भारत का कौन सा ऐसा पहला दोस्तों आपका म्यूकर माइकोसिस यूनिट है जिसको दोस्तों कंट्रोल किया जाएगा ब्लैक फंगस को। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे इस बीमारी के बारे में तो दोस्तों इस बीमारी को यहां पे आपका लागू आपका दोस्तों यहां पे जो आपका खतरा फैलाया जाता है उस यहां पे दोस्तों फंगस का नाम होगा माइकोसिटीज। क्या नाम होगा दोस्तों? माइकोमाइसिटीज दोस्तों यहां पे इसका नाम हो जाएगा। वहीं इसके अलावा अगर दोस्तों बात किया तो याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा आम दोस्तों मिट्टी में पाए जाने वाली दोस्तों आपकी यहां पे फंगी होती है। और ये याद रखिएगा दोस्तों ये इस समय सबसे ज्यादा परेशानी इसलिए कर रही है क्योंकि दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो आपका ड्रग लेते हैं और ड्रग के कारण जब उनकी दोस्तों इम्यूनिटी हो जाती है कम तब उनको ये बीमारी भी दोस्तों आपकी सताने लग जाती है। तो इसी को दूर करने के लिए पहली जो दोस्तों आपकी यहाँ पे म्यूकर माइकोसिस यूनिट है इसको दोस्तों आपका लगाया जाएगा मध्य प्रदेश में। कहां पे लगाया जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश में इसको दोस्तों आपका सबसे पहले लगाया जाएगा। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पे उड़ीसा के बारे में, अब जरा मेरे साथ कीजिएगा एक छोटा सा रिविजन। उड़ीसा के द्वारा दोस्तों अभी हाल ही में पूरे 14 दिन का दोस्तों यहाँ पे आपका मास्क अभियान लागू किया गया। कौन सा अभियान दोस्तों लागू किया गया है? मास्क अभियान लागू किया गया है। वहीं अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे आपसे मध्य प्रदेश के बारे में तो दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश के द्वारा भी यहाँ पे आपका दोस्तों एक अभियान शुरू किया गया था लेकिन दोस्तों इसका अभियान का नाम थोड़ा सा अलग था, मेरा मास्क मेरी जिम्मेदारी। तो दोस्तों मेरा मास्क मेरी सुरक्षा इस नाम से यहाँ पे आपका दोस्तों मास्क अभियान शुरू किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और वहीं अगर दोस्तों बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के आपके सीएम कौन हो जाएंगे तो मेरे साथ लगातार कीजिएगा रिविजन। तो यहाँ पे इनका नाम हो जाएगा आपके लिए शिवराज सिंह चौहान। क्या नाम होगा दोस्तों? शिवराज चौहान हो जाएंगे दोस्तों यहां पे आपके चीफ मिनिस्टर। वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे राज्यपाल के बारे में तो दोस्तों राज्यपाल कौन होंगे यहां पे आपके दोस्तों मध्य प्रदेश के? तो इनका नाम यहां पे आपके लिए हो जाएगा दोस्तों आनंदीबेन पटेल। क्या नाम होगा दोस्तों? आनंदीबेन पटेल दोस्तों यहां पे हो जाएंगी राज्यपाल। अब अगर इसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो यहां पे दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा याद रखिएगा दोस्तों यहां पे दो जगह है, एक जगह का नाम है ग्वालियर शहर और दूसरा दोस्तों यहां पे आपके लिए हो जाएगा ओरछा मंदिर। तो ये क्यों था खास और क्यों था आपका न्यूज में? तो दोस्तों यहां पे इसको एक आपका तमगा दिया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। किसका तमगा दिया गया था दोस्तों? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। तो इसी वजह से दोस्तों यहां पे ये आपका न्यूज में था। अब इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें आपसे मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई खबरों के बारे में, अब मेरे साथ एक साथ कीजिएगा दोस्तों आप रिवीजन। तो दोस्तों अगर बात करें तो यहां पे अभी हम लोग करेंगे यहां पे आपका दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित दोस्तों आपके न्यूज के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करें तो स्वास्थ्य से संबंधित यहां पे आपकी दोस्तों पहली न्यूज हो जाएगी कि एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच दोस्तों इसको इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। और दोस्तों ये आपका भारत का पहला ऐसा सिस्टम होगा जिसके माध्यम से यहां पे दोस्तों आपका जो कोविड है उस पर सर्विलांस यानी कि आपके दोस्तों निगरानी रखी जाएगी। वहीं अगर दोस्तों बात करें तो 7 अप्रैल को दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित हम लोग मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं दोस्तों हम लोग 7 अप्रैल को। वहीं इसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो हेल्थ इन इंडिया
हेल्थ इन इंडिया दोस्तों, जो कि भारत में आपके न्यूट्रिशन और साथ ही साथ दोस्तों माताओं की स्थिति पे दोस्तों ये रिपोर्ट जारी की गई थी यहां पे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा दोस्तों यहां पे इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। वहीं अगर दोस्तों बात करें पब्लिक हेल्थ स्कूल, जिसमें यहां पे जो लोग अगर अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे डॉक्टरी की या फिर दोस्तों उनको यहां पे कम नॉलेज थी, तो उनकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए ये पब्लिक हेल्थ स्कूल दोस्तों यहां पे आपका शुरू किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। वहीं अगर दोस्तों बात करें यहां पे आपसे अगले प्रश्न के बारे में, तो अगला प्रश्न था यहां पे आपके लिए कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा दोस्तों यहां पे आपके लिए जीडीपी ग्रोथ रेट को एस्टीमेट किया गया था, मतलब आंका गया था कि साल 2022 में यहां पे कितनी रहेगी जीडीपी। दोस्तों ऑप्शन से यहां पे आपके सामने चार, तो अगर बात किया दोस्तों यहां पे आपसे राइट ऑप्शन के बारे में तो याद रखिएगा दोस्तों यहां पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन यानी कि 10.1 दोस्तों, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा दोस्तों यहां पे आपकी आंकी गई आपके लिए जीडीपी थी। वहीं अगर दोस्तों बात करें यूनाइटेड नेशन के बारे में तो जरा मेरे साथ एक क्विक रिविजन कीजिएगा, 1945 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो न्यूयॉर्क में है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर, और दोस्तों यूनाइटेड नेशन में कुल आपके 193 देश, कितने देश दोस्तों, 193 देश यहां पे आपके शामिल होते हैं। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए तो एंटोनियो गुटेरास, क्या नाम होगा दोस्तों, एंटोनी गुटेरास दोस्तों यहां पे हो जाएंगे इसके मुखिया। अब इनसे जुड़ी हुई एक खबर और जान लीजिए दोस्तों, एंटोनी गुटेरास जो है दोस्तों इनको अभी हाल ही में आपका एक अवार्ड दिया गया था, जायद अवार्ड, कौन सा दोस्तों, मानवतावाद के लिए दोस्तों ये जायद अवार्ड दिया गया था आपका एंटोनी गुटेरास को दोस्तों साल 2020 में। और इनके साथ साथ दोस्तों यहां पे आपके लिए लातीफा इब्न, यानी कि दोस्तों लातीफा इब्न जियाटन को भी दोस्तों यहां पे ये अवार्ड दिया गया था, जायद अवार्ड मानवतावादी के लिए। तो दोस्तों अगर इसके अलावा बात करें यहां पे कौन कौन से दोस्तों यहां पे आपकी टॉप एजेंसीज थी, कौन कौन सी ऐसी टॉप कंपनीज थी जिन्होंने भारत की यहां पे आंकी थी जीडीपी, आइए कीजिए मेरे साथ एक क्विक रिवीजन। तो दोस्तों अगर बात करें स्टैंडर्ड एंड पुअर के द्वारा यहां पे 9.8 दोस्तों आपकी आंकी गई है भारत की जीडीपी साल 2022 के लिए, कब के लिए दोस्तों, साल 2022 के लिए। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अभी हाल ही में दोस्तों न्यूज में आया था, तो इसके द्वारा दोस्तों 10.4, वहीं दोस्तों जेपी मॉर्गन के द्वारा थोड़ी ज्यादा आंकी गई है लगभग 11% के अराउंड। और इसके अलावा दोस्तों जो केयर रेटिंग है दोस्तों, केयर रेटिंग ने दोस्तों यहां पे अपनी जो आपकी जीडीपी की रेटिंग थी उसको बढ़ा दिया है और 10.8 पे आपका आंका है। वहीं अगर दोस्तों बात करें ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के बारे में, तो इसके द्वारा दोस्तों यहां पे आपकी आंकी गई है 10.2% भारत की जीडीपी। तो दोस्तों ये थी यहां पे प्रमुख एजेंसीज जिन्होंने आंका है भारत की जीडीपी क्या रहेगी साल 2022 में। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि साल 2021 में क्या रहेगी जीडीपी, तो दोस्तों याद रखिएगा ये जीडीपी दोस्तों आपकी 7 से लेकर 8 के मध्य यहां पे आपकी हर एक एजेंसी के द्वारा दोस्तों आंकी गई है। और चलिए दोस्तों बढ़ते हैं यहां पे अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों यहां पे अगला प्रश्न है आपके लिए कि यहां पे बलजीत कौर, ये आपको दोस्तों पिक्चर में दिख रही होंगी, ये है बलजीत कौर दोस्तों, और ये एनसीसी के दोस्तों यहां पे आपकी सेवक है। तो दोस्तों एनसीसी के यहां पे कार्यकर्ता है और इनके द्वारा दोस्तों ये पहली महिला बनी है जिन्होंने दोस्तों पुमोरी पॉइंट, कहां पे है दोस्तों, तो ये है आपका दोस्तों माउंट एवरेस्ट पे। तो दोस्तों ये जो आपका पुमोरी पॉइंट है, इस पुमोरी पॉइंट पे यहां पे सबसे पहली चढ़ने वाली दोस्तों ये महिला हो जाएंगी, आपसे पूछा गया है ये आपके दोस्तों ये पुमोरी पॉइंट ये किस देश में है। तो दोस्तों ऑप्शंस हो जाएंगे यहां पे आपके सामने चार, जापान, नेपाल, रशिया होगा या होगा दोस्तों फ्रांस। तो दोस्तों यहां पे आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका है दोस्तों नेपाल में स्थित। वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे माउंट एवरेस्ट के बारे में, तो याद रखिएगा दोस्तों माउंट एवरेस्ट की दोस्तों यहां पे आपकी ऊंचाई हो जाएगी 8849, कितनी होगी दोस्तों 8849। और वहीं अगर दोस्तों बात करें तो अभी हाल ही में नेपाल और नेपाल के अलावा दोस्तों चीन ने यहां पे कराया था एक अध्ययन जिसके अनुसार अब 86 मीटर दोस्तों यहां पे हाइट बढ़ गई है नेपाल की। और इसके साथ साथ अगर दोस्तों बात करें चीन और नेपाल के बीच में, तो अभी हाल ही में दोस्तों यहां पे एक सेपरेशन लाइन, जी हां दोस्तों एक यहां पे दोस्तों पूरे माउंटेन को अलग करने वाली सेपरेशन लाइन खींची गई है चीन के द्वारा, ताकि यहां पे फिर से कोई नेपाल की तरफ से चीन में आपका कोविड के दौरान ना चला जाए। और वहीं अगर दोस्तों बात करें यहां पे आपसे, तो आपकी जो बलजीत कौर है, याद रखिएगा नाम से लगेगा पंजाब से है दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये एक हिमाचली गर्ल है, जी हां दोस्तों ये पहाड़ी महिला है जो कि आपकी संबंधित है हिमाचल से। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए आपसे यहां पर सबसे पहले दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट पे लगातार दोस्तों दो बार चढ़ने वाली महिला का नाम क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहां पे आपके लिए आंसर हो जाएगा संतोष यादव। दोस्तों लगातार मेरे साथ कीजिएगा रिवीजन, जो भी आंसर आपको आता हो उसका आप जवाब बताएंगे, जिसका नहीं आता है शांति से सुनेंगे। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे अंटार्कटिका पर सबसे पहले दोस्तों कौन सी भारतीय महिला पहुंची,
पहुंची थी, तो इनका नाम हो जाएगा दोस्तों आपके लिए महेल मूरा। क्या नाम होगा दोस्तों? महेल मूरा। ये पहली महिला थी जो कि अंटार्क्टिका पे सबसे पहले पहुंची थी। और वहीं अगर दोस्तों बात करें सात महाद्वीप की दोस्तों, सारी की सारी दोस्तों आपकी सातों चोटी को यहां पे पार करने वाली दोस्तों महिला हो जाएंगी दोस्तों आपके लिए प्रेमलता अग्रवाल। क्या नाम होगा दोस्तों? प्रेमलता अग्रवाल हो जाएंगी दोस्तों यहां पे आपकी सातों चोटियों को सबसे पहले दोस्तों पार करने वालों में। और इसके साथ साथ अगर दोस्तों बात की जाए तो एवरेस्ट पे दोस्तों चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला दोस्तों, तो यहां पे इनका नाम हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा। क्या नाम होगा दोस्तों? अरुणिमा सिन्हा हो जाएगा दोस्तों यहां पर इनका नाम। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए यहां पे आपसे, तो यहां पे जो सातों शिखर है आपके कॉन्टिनेंट की, जरा ध्यान से सुनिएगा, एशिया में दोस्तों यहां पे एवरेस्ट है जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। वहीं दोस्तों साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका में है आपका अकांकागुआ, नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में दोस्तों आपके लिए हो जाएगा देनाली। और दोस्तों अगर बात करें अफ्रीका के बारे में तो किलिमंजारो दोस्तों, किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे यूरोप के बारे में, तो दोस्तों यूरोप की हो जाएगी आपकी एल्ब्रुस। और अगर बात करें अंटार्क्टिका के बारे में दोस्तों, तो विंसन होती है आपकी सबसे ऊंची चोटी अंटार्क्टिका की। और वहीं अगर दोस्तों बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो दोस्तों यहां पे कार्जनर पिरामिड दोस्तों, ये है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। तो दोस्तों ये थी यहां पे आपकी वो सेवन समिट्स जिनको यहां पे सबसे पहले दोस्तों आपका पार किया था प्रेमलता अग्रवाल के द्वारा। वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे अगले प्रश्न के बारे में, अगला प्रश्न दोस्तों आपका ग्रीन एनर्जी से जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसी एनर्जी जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो दोस्तों प्रश्न आपसे यहां पे ये पूछा गया था कि ये जो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड है दोस्तों, ये आपका किस संस्थान को दिया गया था जिसने यहां पे दोस्तों पैसा लगाया था ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए, जिसमें सोलर एनर्जी और बायोफ्यूल को शामिल किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन से आपके सामने चार, आईसीसी, नेस्कॉम सेल होगा या होगा आईआरईडीए। तो दोस्तों यहां पे आपके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आईआरईडीए। यहां पे दोस्तों इसको इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी दोस्तों आपका कहा जाता है डेवलपमेंट एजेंसी के नाम से। दोस्तों ये जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, याद रखिएगा दोस्तों यहां पे इसके मुखिया हो जाएंगे आपके लिए प्रदीप दास। क्या नाम होगा दोस्तों? प्रदीप दास हो जाएंगे दोस्तों यहां पे आपके आईआरडीए के मुखिया। और दिल्ली में है दोस्तों यहां पे आईआरडीए का मुख्यालय। वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे आपके दोस्तों आईसीसी के बारे में दोस्तों, तो आईसीसी के द्वारा दोस्तों यहां पे आपका प्रस्तुत किया जाता है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। और अगर दोस्तों बात करें सेल कंपनी के बारे में, तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो सेल कंपनी है ये भारत की 100 सबसे महंगी कंपनियों में अभी हाल ही में हुई आपके दोस्तों शामिल। और इसके अलावा दोस्तों यहां पे इसको एक अवार्ड भी दिया गया था दोस्तों, उसको भी यहां पे याद रखिएगा न्यूज में। तो दोस्तों इस अवार्ड का यहां पे नाम हो जाएगा आपके लिए गोल्डन पिकॉक। जी हां दोस्तों, सोने का मोर। तो दोस्तों गोल्डन पिकॉक आपका एनवायरमेंट अवार्ड। तो याद रखिएगा सोने का मोर के नाम से अगर कोई अवार्ड आता है तो वो जंगल में घूमता है। तो दोस्तों ये जो एनवायरमेंट अवार्ड है गोल्डन पिकॉक के नाम से, ये दिया गया था सेल कंपनी को। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए यहां पे आपसे दोस्तों पर्यावरण से संबंधित अवार्ड्स के बारे में, तो मेरे साथ कीजिएगा एक क्विक रिवीजन। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे यूनेप संस्थान के बारे में, तो यूनेप के द्वारा दोस्तों आपका दिया गया था एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार। तो दोस्तों ये जो अवार्ड था ये दिया गया था यहां पे आपका दोस्तों वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को। किसको दिया गया था दोस्तों? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को दोस्तों यहां पे इस पुरस्कार से नवाजा गया था। तो दोस्तों इसको आपका शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WCCB। और वहीं अगर दोस्तों बात की जाए आपसे सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड के बारे में, तो दोस्तों ये अवार्ड यानी कि सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी अवार्ड ये दिया गया था हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी को। और वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दोस्तों, तो ये अवार्ड गया था यहां पे आपका पॉल सीन त्वान को। किसको गया था दोस्तों? पॉल सीन त्वान को दोस्तों यहां पे इस अवार्ड से नवाजा गया था। और वहीं अगर दोस्तों बात करें एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार के बारे में, तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपका अवार्ड था दोस्तों ये गया था यहां पे आपका रमेश पांडे को। किसको गया था दोस्तों? रमेश पांडे को यहां पे इस अवार्ड से नवाजा गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपका एक किताब से जुड़ा हुआ है। प्रश्न ये पूछा गया था कि यहां पे दोस्तों आपका फेसिंग अ माउंटेन, फेसिंग द माउंटेन आ ट्रू स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन हीरोज इन वर्ल्ड वॉर टू, जिसको दोस्तों आयोजित किया गया था 1939 से 1945 के बीच में। तो दोस्तों आपसे यहां पे जुड़ा हुआ प्रश्न है कि इस किताब के ऊपर दोस्तों, इस सब्जेक्ट के ऊपर ये जो किताब है फेसिंग द माउंटेन दोस्तों, ये किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? तो यहां पे आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा डेनियल जेम्स ब्राउन। क्या नाम हो दोस्तों? डेनियल जेम्स ब्राउन के द्वारा दोस्तों यहां पे इस किताब को लिखा गया था, जो कि न्यूयॉर्क की दोस्तों आपकी नंबर वन बेस्ट सेलिंग किताब है। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो यहां पे दोस्तों आपका विश्वरूप चौधरी के द्वारा दोस्तों यहां पे किताब लिखी गई थी
कि वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। क्या नाम था दोस्तों किताब का? वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। और वहीं अगर दोस्तों बात करें विनय कुमार के द्वारा, दोस्तों विनय कुमार के द्वारा दोस्तों यहां पे आपकी जो किताब लिखी गई थी उसका नाम हो जाएगा ब्लीडिंग इंडिया। क्या नाम होगा दोस्तों? ब्लीडिंग इंडिया के नाम से दोस्तों यहां पे आपकी किताब लिखी गई थी विनय कुमार सिंह के द्वारा। और वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे प्रमुख किताबों के बारे में, प्रमुख दोस्तों यहां पे बुक्स के बारे में, आइए कीजिए मेरे साथ एक छोटा सा रिवीजन। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों और इसके अलावा फ्यूचर ऑफ पावर, ये फाइव बैटल ग्राउंड के नाम से दोस्तों यहां पे आपकी किताब लिखी गई थी राजीव मल्होत्रा के द्वारा। और वहीं अगर दोस्तों बात की जाए यहां पे आपसे अगली किताब के बारे में तो इंडियाज पावर इलाइट, दोस्तों ये जो इंडियाज पावर इलाइट है जो कि बताता है कि यहां पर दोस्तों यहां पे किस प्रकार से भारत में आपका शक्ति को हासिल करने का दोस्तों यहां पे संघर्ष किया गया। दोस्तों ये जो आपकी किताब है ये लिखी गई थी संजय बारू के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? संजय बारू के द्वारा यहां पर इस किताब को लिखा गया था। वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे सेविंग अस, हमें बचाओ, अ क्लाइमेट साइंटिस्ट केस फॉर द होप, तो दोस्तों इस किताब को यहां पर आपका लिखा गया था, यहां पे दोस्तों इस किताब को यहां पे आपके दोस्तों लिखा गया था कैथरीन हेहो के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कैथरीन हेहो के द्वारा दोस्तों यहां पे इस किताब को लिखा गया था। वहीं इसके अलावा दोस्तों बात करें द लॉस्ट सोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों। अगर मैं इसके लेखिका के बारे में बात करूं तो इनका नाम हो जाएगा ओल्गा टोकारजुक। तो दोस्तों इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनको दोस्तों यहां पे आपका एक साथ नोबेल प्राइज और पुलित्जर प्राइज, सॉरी नोबेल प्राइज और मैन बुकर प्राइज दोस्तों एक साथ जीतने वाली दोस्तों आपकी महिला हो जाएंगी ओल्गा टोकारजुक। और इसके अलावा दोस्तों बात कीजिए आपसे अगले प्रश्न के बारे में, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पे आपसे पूछा गया है कि यहां पर दोस्तों आपका कौन सा ऐसा देश है जिसमें यहां पे आपका दोस्तों जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, नाम है माउंटेन बोंगो। दोस्तों ये आपका हिरन की तरह लगता है और आपसे ये पूछा गया है इसको यहां पे आपका किस यहां पे जू में आपका दोस्तों एक बच्चे को जन्म दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है जिसकी संख्या दोस्तों 500 से भी कम है। तो दोस्तों अगर यहां पे बात करें उस देश के बारे में तो राइट ऑप्शन दोस्तों यहां पे आपके लिए हो जाएगा जापान, और पोलैंड में से पोलैंड होगा यहां पे आपके लिए राइट आंसर। और वहीं जरा दोस्तों आप मेरे साथ कीजिएगा रिवीजन पोलैंड के बारे में, तो वारसो दोस्तों क्या नाम होगा? वारसो हो जाएगी दोस्तों यहां पे आपकी राजधानी पोलैंड की। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें आपसे तो यहां पे जिलोटी के नाम से, किसके नाम से दोस्तों? जिलोटी के नाम से आपकी हो जाएगी दोस्तों मुद्रा पोलैंड की। और इसके साथ साथ अगर दोस्तों बात की जाए तो यहां पे दोस्तों आपके लिए जो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हो जाएंगे दोस्तों, तो राष्ट्रपति का दोस्तों यहां पे आपके लिए नाम हो जाएगा आंद्रेज दूदू। क्या नाम हो दोस्तों? आंद्रेज दूदू हो जाएंगे दोस्तों यहां पे आपके राष्ट्रपति पोलैंड के। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए आपसे पोलैंड के बारे में तो यहां पे दोस्तों आपके जो प्राइम मिनिस्टर है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इन प्राइम मिनिस्टर का यहां पे आपके लिए दोस्तों नाम हो जाएगा मैती यूज। क्या नाम हो दोस्तों? मैती यूसेज। क्या नाम हो दोस्तों? मैती यूसेज मोराविकी दोस्तों, ये नाम हो जाएगा आपके पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर का। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए आपसे कौन कौन सी आखिरकार भारत में है दोस्तों आपके लिए इनडेंजर्ड स्पीसीज, जरा मेरे साथ कीजिएगा एक छोटा सा रिवीजन। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे तो यहां पे आपके लिए पिग्मी हॉग, याद रखिएगा दोस्तों सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है पिग्मी हॉग दोस्तों, ये आपका संबंधित है दोस्तों आपका असम से, एक छोटा सा सुअर लगता है आपका। वहीं दोस्तों होलक गिब्बन, ये आपका नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों इनडेंजर्ड स्पीसीज है। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए तो यहां पे आपके लिए दोस्तों लेपर्ड कैट जो कि आपके हिमालय में है, और इसके अलावा दोस्तों बंगाल फ्लोरिकन, दोस्तों बंगाल फ्लोरिकन हो गया, या हो गया दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये दोनों ही भारत में आपकी एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है और दोस्तों ये आपकी दोस्तों हमेशा विदेश से भारत में आती हैं रहने के लिए। वहीं इसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो यहां पे आपका दोस्तों मालाबार सिविट दोस्तों वेस्टर्न घाट में पाया जाता है और ये भी भारत की एक आपकी यहां पे इंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल होता है। और अगर दोस्तों बात करें उड़ीसा की तरफ से तो ओलिव रिडले दोस्तों, ओलिव रिडले जो आपके दोस्तों कछुए होते हैं ये आपके इंडेंजर्ड स्पीसीज है। और वहीं अगर दोस्तों बात की जाए आपसे साउथ में तो लॉइन टेल्ड मकाऊ दोस्तों, तो याद रखिएगा वेस्टर्न घाट से दोस्तों आपके लिए मालाबार सिविट और लॉइन टेल्ड मकाऊ दोस्तों ये आपकी दो ऐसी प्रजातियां हैं जिनको इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं अगर दोस्तों बात करें यहां पे आपसे अगले प्रश्न के बारे में तो अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि यहां पे ऐसी कौन सी राज्य सरकार हो जाएगी दोस्तों, जरा प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, यहां ऐसी कौन सी राज्य सरकार हो जाएगी दोस्तों जिसको अभी हाल ही में जिसने परमिट दिया है कि भैया अगर वैक्सीन लगवानी है तो अपने साथ आईडी कार्ड मत लाओ, मतलब कोई भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड मत लाओ, चाहे डीएल हो चाहे वो आपके लिए हो यहां पे आपके लिए दोस्तों पैन कार्ड। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पे उस राज्य के बारे में तो राइट आंसर दोस्तों यहां पे आपके लिए हो जाएगा उड़ीसा। और उड़ीसा के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहां पे आपकी जो प्रमुख नदियां हैं इससे जुड़े हुए सवाल आपसे
लगातार पूछे गए हैं। यहां पे दोस्तों उड़ीसा में आपके लिए नदी हो जाएगी एक महानदी, दूसरी हो जाएगी दोस्तों आपके लिए सुवर्ण रेखा, और तीसरी दोस्तों आपके लिए हो जाएगी, मेरे साथ रिविजन कीजिएगा, बैतरणी। क्या नाम होगा दोस्तों? बैतरणी। वही दोस्तों उड़ीसा के द्वारा यहां पर 1 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों आपके लिए यहां पर दिवस, जिसको हम लोग ना केवल दोस्तों उड़ीसा दिवस बल्कि यहां पर उत्कल दिवस के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। और अगर दोस्तों बात करें यहां पर आपसे उड़ीसा के बारे में, तो याद रखिएगा गवर्नर के बारे में दोस्तों यहां पे आपके लिए हो जाएंगे गणेशी लाल, और दोस्तों यहां पे आपके नवीन पटनायक कौन हो जाएंगे, तो जवाब होगा यहां पे आपके लिए सीएम यानी कि आपके दोस्तों चीफ मिनिस्टर। तो दोस्तों अगर बात करें इसके अलावा यहां पे आपके लिए दोस्तों और कौन कौन सी दोस्तों यहां पे राज्यों से जुड़ी हुई दोस्तों आपकी खबरें थी कोविड से जुड़ी हुई, तो दोस्तों राज्यों की यहां पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे खबरें जो कि कोविड से संबंधित, तो एक साथ लगातार मेरे साथ कीजिएगा रिवीजन। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें तो कोविड लॉकडाउन के दौरान दोस्तों यहां पे आवारा कुत्तों और मवेशियों को दोस्तों 60 लाख रुपए यहां पे किस राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों आवंटित किए गए, तो यहां पे आपके लिए दोस्तों आंसर हो जाएगा उड़ीसा। वहीं अगर दोस्तों बात करें तो निजी अस्पताल में यहां पे गरीबों की दोस्तों यहां पे मजबूरी को समझ के यहां पे किस राज्य सरकार ने मदद की पेशकश की थी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत दोस्तों, तो यहां पे आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या नाम होगा दोस्तों? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और वहीं इसके साथ साथ अगर दोस्तों बात करें तो ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए दोस्तों यहां पे ट्रक जारी किए गए थे, और ट्रक का नाम हो जाएगा दोस्तों आपके लिए यहां पे आपका संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक। तो दोस्तों ये जो संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक है इनको सबसे पहले दोस्तों आपका जारी किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा। और वहीं अगर दोस्तों बात करें सबसे पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन, क्या है दोस्तों? ड्राइव इन वैक्सीनेशन मतलब कार से जाओ वैक्सीन लगवाओ वापस आओ। तो दोस्तों ये जो आपकी योजना है इसको शुरू किया गया था दोस्तों यहां पे आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको यहां पे शुरू किया गया था। अब दोस्तों यहां पे आपके लिए है अगला प्रश्न माफ कीजिएगा, तो दोस्तों अगला प्रश्न यहां पे आपके लिए होगा रेड फॉक्स से जुड़ा हुआ सवाल। ये पूछा गया दोस्तों ये जो चित्र में आपको रेड फॉक्स दिख रहा है ये दोस्तों अभी हाल ही में काफी कम हो गया है आपका संख्या में, तो आपसे ये पूछा गया है कि ये आपका किस राज्य से संबंधित था। 4 ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, सिक्किम, गुजरात, आपका उत्तराखंड होगा या होगा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यहां पे आपके लिए राइट आंसर था कि ये जो आपकी रेड फॉक्स है दोस्तों ये आपकी मुख्यतः पाई जाती है दोस्तों उत्तराखंड में। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए यहां पे आपसे उत्तराखंड के बारे में, तो जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जो आपके जानवर होते हैं सबसे दोस्तों आपके जैसे आपके यहां पे हो गया आपके लिए दोस्तों लेपर्ड, दोस्तों क्लाइबर्ड लेपर्ड जैसे जो आपके अलग अलग जानवर हैं ये आपके नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए नेशनल पार्क के बारे में, अब जरा मेरे साथ कीजिएगा एक छोटा सा रिवीजन। तो दोस्तों उत्तराखंड में आपका एक है राजाजी नेशनल पार्क, वहीं दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें तो यहीं पे है आपका दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर के नाम से दोस्तों नेशनल पार्क, और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला नेशनल पार्क यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क भी दोस्तों आपका शामिल क्यों होता है आपका उत्तराखंड में। और अगर दोस्तों बात करें उत्तराखंड में अभी हाल ही में यहां पे आपके एक नए चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बने हैं, और इनका दोस्तों नाम हो जाएगा तीरथ सिंह रावत। क्या नाम होगा दोस्तों? तीरथ सिंह रावत हो जाएंगे दोस्तों यहां पे आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो अभी हाल ही में आपके दोस्तों चुने गए हैं। और वहीं अगर बात करें दोस्तों राज्यपाल के बारे में, तो दोस्तों बेबी रानी मौर्य, क्या नाम होगा दोस्तों? बेबी रानी मौर्य हो जाएंगी यहां पे आपकी दोस्तों राज्यपाल उत्तराखंड की। और इसके साथ साथ अगर दोस्तों बात की जाए यहां पे आपसे तो उत्तराखंड के बारे में दोस्तों यहां पे आपकी 3 खबरें लगातार आपकी न्यूज में थी। पहली हो जाएगी दोस्तों नवंबर 9 को यहां पे आपका मनाया जाता है उत्तराखंड दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? उत्तराखंड दिवस। वहीं दोस्तों यहां पे नव युवकों को, किसको दोस्तों? नव युवकों को दोस्तों रोजगार देने के लिए आपका यहां पे मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और वहीं अगर दोस्तों बात करें तो काजिंद एक्सरसाइज दोस्तों ये आयोजित की गई थी कजाकिस्तान और इसके साथ साथ दोस्तों भारत के बीच में आपकी दोस्तों उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में अगर दोस्तों बात करें तो यह आपकी आयोजित की गई थी पिथौरागढ़ में। कहां पे दोस्तों? पिथौरागढ़ में यहां पे इसको आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका इंडेक्स से जुड़ा हुआ था। सवाल यह पूछा गया था दोस्तों कि यहां पे आपका प्राइम गूगल सिटीज इंडेक्स, दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, प्राइम गूगल सिटीज इंडेक्स साल 2021 में दोस्तों ये नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया, जिसमें यह बात कही गई कि यहां पे दोस्तों कौन सा ऐसा देश है जहां पे आपका दोस्तों सबसे महंगी आपकी कमर्शियल जमीन है। जी हां दोस्तों, सबसे महंगी आपकी कहां पर है कमर्शियल जमीन, तो इसके आधार पे दोस्तों यहां पे आपकी रैंकिंग को जारी किया गया था। और अगर दोस्तों यहां पे बात करें आपसे किसने किया था टॉप, तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका शेंजेन, चीन के द्वारा दोस्तों आपका यहां पे आपका ये प्रथम स्थान पे आया था। वहीं दोस्तों अगर बात करें शंघाई के बारे में दोस्तों ये भी आपका चीन में ही है और ये था यहां पे आपका दूसरे स्थान पे। इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए भारत के बारे में दोस्तों,
तो भारत में मुंबई को मिला था 32वां स्थान, वहीं दोस्तों बेंगलुरु को मिला था यहां पे आपका 40वां स्थान। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो 36वें स्थान पे था यहां पे आपका नई दिल्ली। कौन सा दिल्ली दोस्तों? नई दिल्ली था यहां पे आपका 36वें स्थान पे। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए यहां पे आपसे इंडेक्स से जुड़ी हुई खबरों के बारे में, आइए कीजिए मेरे साथ एक छोटा सा रिवीजन। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे, सबसे पहले प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो आपके लिए, पासपोर्ट इंडेक्स हो, या हो इंटरनेट, या हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो याद रखिएगा अगर आपको भारत की रैंकिंग याद करनी है दोस्तों तो केवल 4 डिजिट को याद रखिएगा। कैसे? आखिरकार अगर बात करें दोस्तों आपके प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में तो 142वीं रैंक हो जाएगी यहां पे आपकी दोस्तों भारत की। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो 84वीं रैंक होगी आपकी पासपोर्ट हेनले इंडेक्स में। वहीं अगर दोस्तों बात करें तो 49th रैंक होगी दोस्तों आपकी आपकी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स के माध्यम से। और वहीं अगर दोस्तों बात करें तो 40वीं रैंक हो जाएगी दोस्तों यहां पे आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के अंतर्गत। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए तो यहां पे आपके लिए ये जो आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है इसको जारी किया जाता है दोस्तों यहां पे आपका रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा। और यहां पे दोस्तों टॉप करने वाला आपके लिए राज्य हो जाएगा नॉर्वे। वहीं दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में यहां पे टॉप करने वाला दोस्तों आपके लिए राज्य हो जाएगा, आपके देश हो जाएगा जापान। और अगर दोस्तों बात करें तो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स दोस्तों इसको फेसबुक और EIU यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें दोस्तों आपका टॉप करने वाला देश था स्वीडन। और अगर दोस्तों बात करें बौद्धिक संपदा के बारे में दोस्तों 40वां स्थान यहां पे भारत को मिला था और अमेरिका के द्वारा दोस्तों यहां पे आपका टॉप किया गया था। तो दोस्तों ये था यहां पे आपका इंडेक्स से जुड़ा हुआ एक छोटा सा रिवीजन। अब दोस्तों बात करें यहां पे आपसे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पे आपके लिए कि कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसके द्वारा दोस्तों यहां पे कुल 5,000 रुपए दोस्तों दिए जाएंगे आपके दोस्तों जो आपके अनाथ बच्चे होते हैं। तो दोस्तों अनाथ बच्चों के लिए यहां पे 5,000 रुपए की व्यवस्था किस राज्य सरकार के द्वारा की गई थी, यह है आपके लिए प्रश्न। 4 ऑप्शन आपके सामने थे, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश होगा या होगा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यहां पे आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दोस्तों यहां पे आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पे 5,000 रुपए दोस्तों दिए जाएंगे आपके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए तो याद रखिएगा दोस्तों कि इसकी राजधानी आपके लिए हो जाएगी भोपाल। और दोस्तों एक न्यूज हमेशा याद रखिएगा कि यहां पे आपके दोस्तों एक सफारी निकाली गई थी, बलून सफारी, मतलब बलून में बैठ करके आप करो पूरा सफर जंगल का। तो दोस्तों इसको शुरू किया गया था बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। कहां पे दोस्तों? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए तो यहां पे आपकी एक नाइट सफारी भी दोस्तों शुरू की गई थी और इसको दोस्तों शुरू किया गया था कुल 3 नेशनल पार्क में, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें यहां पे आपसे मध्य प्रदेश से संबंधित खबरों के बारे में, आइए कीजिए एक दोस्तों क्विक रिवीजन। यहां पे दोस्तों जल अभिषेक नाम का अभियान शुरू किया गया था दोस्तों तालाबों के संरक्षण के लिए। वहीं दोस्तों यहां पे धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, मतलब अब कोई भी अगर अपना धर्म परिवर्तन करेगा तो उस पर हो जाएगी मनाही दोस्तों, इसको भी आपका जारी किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसके अलावा दोस्तों किल कोरोना अभियान, कोरोना को रोकने के लिए दोस्तों ये किल कोरोना अभियान शुरू किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और वहीं अगर दोस्तों बात करें तो कुशल कामगारों के लिए दोस्तों यहां पे लोगों को स्किल सिखाने के लिए रोजगार सेतु योजना को दोस्तों शुरू किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो दोस्तों ये था यहां पे आपका एक क्विक रिवीजन, क्विक दोस्तों आपका यहां पे सेशन करंट अफेयर का। अब यहां पे दोस्तों आप मुझे बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। अब इसी के साथ दोस्तों अगर आपको इसके अलावा यहां पे कोई भी परेशानी हो पढ़ाई से संबंधित, या फिर दोस्तों आपको यहां पे लगता हो कि आपको कोई चाहिए बातचीत करने के लिए, तो दोस्तों यहां पे सफलता टीम हमेशा आपके साथ दोस्तों यहां पे जुड़ी रहती है। तो अगर आपको कोई भी परेशानी हो पढ़ाई की, या फिर दोस्तों आपको यहां पे जरूरत हो थोड़े से पैसे की दोस्तों जो कि आप यहां पे फीस में ना दे पाओ, तो इसके लिए दोस्तों आप यहां पे नीचे एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा उस पर कीजिएगा हाय और जुड़ जाइएगा दोस्तों यहां पे आप सफलता टीम के साथ। तो चलिए दोस्तों अब मैं लेता हूं यहां पे आपसे इजाजत। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।